जाए। ऑफिसेस तुम लोग बंद करके बैठे हो, किसके भरोसे जाएंगे औरतें अपने बच्चों को लेके? ये तो आपके इतने खाने में पूरा घर चलेगा, चार या पाँच जन के घर का खाना होगा इसमें। या हमारी दवाई के लिए एक पैसा नहीं दे रहा कोई, किसके पास जाओ मांगने के लिए अपने बच्चे के लिए? उसको लूज मोशन वॉमिटिंग हो रही है, घर से बाहर नहीं निकाल सकती, मेरे पास एक पैसा नहीं, वो उनको नहीं काम पे जा सकते, कहाँ जाएंगे इंसान? वायरस से मरे न मरे भूख मरे। तो जैसे जैसे लॉकडाउन के दिन गुजरते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही गरीबों और मजदूरों के हालात भी और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। लोगों के पास जमा पूंजी या तो समाप्त हो चुकी है या फिर समाप्त होने को है। इसीलिए हम सबको चाहिए कि आज जितने भी हमारे आसपास गरीब हैं, मजदूर जो तबका रहता है, उनकी हम हेल्प करें और उनको हम सहारा दें, ताकि वो लोग भी अच्छे से जिंदगी गुजार सके। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, अब कुछ ही दिन बाकी है ईद के आने के भी। जैसे कि हम पिछली दफा ईद की तैयारियां करते थे, वैसा इस बार तो नहीं हो पाएगा, ईद की शॉपिंग भी ना हो पाएगी। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से हम जिन पैसों को हम ईद की शॉपिंग में खर्च किया करते थे, अगर हम चाहें तो उन पैसों को गरीबों पर खर्च करके एक अच्छा काम कर सकते हैं। और यकीन जानिए कि गरीबों पर जो आप पैसा खर्च करेंगे, उसकी जो खुशी आपको दिल को होगी, जो सुकून आपको गरीबों पर पैसा खर्च करके मिलेगा, वह सुकून आपको महंगे कपड़े पहनकर नहीं मिलेगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा गरीबों की हेल्प करें। दूसरी बात, कोरोना वायरस का जो खतरा है वो देश और दुनिया में बढ़ता जा रहा है। हमारे देश में 80,000 के आसपास कोरोना के केस आ चुके हैं और धीरे धीरे ये बढ़ते ही जा रहे हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए, जहाँ तक संभव हो सके अपने घर में रहें, घर से बाहर निकलने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि सरकार ने आपको जो थोड़ी बहुत रियायत दी है वो इस वजह से दी है कि लोग कुछ काम कर सके। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिना किसी काम के भी बाहर घूमते नजर आ रहे हैं, तो प्लीज ऐसा ना करें। जिस प्रकार से आपने अब तक इतने दिन लॉकडाउन में रहकर गुजारा है, उसी प्रकार से कुछ दिन और लॉकडाउन में रहकर ही गुजारिए और अपने घरों से बाहर निकलने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए। सरकार आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही है, पुलिस वाले आपकी सेवा में लगे हुए हैं, डॉक्टर्स बहुत ज्यादा हेल्प आपकी कर रहे हैं। अगर आप लोग घर से बाहर निकलेंगे और सरकार के रूल्स को फॉलो ना करेंगे, तो इससे सभी पर प्रेशर पड़ेगा और इसके नुकसान हम सभी को उठाना पड़ेगा। इसीलिए कोशिश कीजिए, बिना किसी इमरजेंसी के काम के हम घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप अपने घर पर सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को भी सुरक्षित रखने में सहायता करेंगे।